टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि अश्विनी सबके ताने सुन रही होती है और आलता लगवा रही होती है, लेकिन तब उसके सब्र का बांध टूट जाता है और कहता है कि आप लोग समझते क्या है, मैं कुछ कह नहीं रही, चुपचाप बैठी हूँ तो आप लोग मुझसे कुछ भी कहते जाएंगे। आपने क्या कहा वहनी कि मैं सही के पैसे की वजह से उसके आगे पीछे घूमती हूँ, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पर सोनाली भी ताने मारना शुरू हो जाती है सही और उसके फेवर के बारे में। तभी भवानी कहती है निनाद से कि देख रहे हो तुम, वाकई में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अश्विनी से तुम्हारी शादी करवा करके। तभी निनाद भी शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, इस औरत से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। एक तो गवार है, अनपढ़ है, ऊपर से इसे कुछ तमीज भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं समझ आता कि आपने मेरी शादी से क्यों कराई। तो यहाँ पर अश्विनी कहती है कि हाँ, आपसे शादी करके वैसे भी मुझे कौन सा कुछ मिल गया है। यहाँ पर निनाद कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, तुम्हें आखिर इस घर में क्या नहीं मिला है। अश्विनी कहती है मैं पैसा रुपया बड़े घर की बात नहीं कर रही, मैं इज्जत मान सम्मान और प्यार की बात कर रही हूँ। यहाँ पर निनाद और अश्विनी की तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ते लड़ते यहाँ पर निनाद का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। पत्रलेखा यह देख कर परेशान होती है और चीखती है सब पर, कहती है बस करिए, आप लोग भगवान के लिए चुप हो जाइए, आज हमारे घर में पूजा है और आप ये सब कर रहे हैं, आप देखिए उनकी तबीयत कितनी बिगड़ रही है। भवानी कहती है पाखी से, देखा मुझे तुम पे भरोसा था, इस पूरे घर में सिर्फ एक तुम ही हो जो सारी सिचुएशन को संभाल सकती हो और तुम ही इस घर की काफ़ी समझदार बहू हो। पाखी कहती है आप सब आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ, प्लीज़ झगड़ा मत कीजिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि विराट कॉलेज पहुँच चुका होगा सई के, और इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी करते करते वो एक लड़के से कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जैसे स्टूडेंट रिप्लाई करता है या कॉलेज का डीन आ जाता है और पूछता है कि सर आप यहाँ पर क्या हुआ, कोई इशू है। विराट कहता है कि आपके यहाँ पर फंक्शन है, आपने उसके लिए परमिशन ली है क्या। डीन कहता है कि आप प्लीज़ मेरे केबिन में आकर के बैठ के बात कीजिए, यहाँ पर बात करना ठीक नहीं होगा। विराट भी चला जाता है केबिन में और कहता है डीन से कि मुझे जो इस कल्चरल फेस्ट का ऑर्गेनाइज़र है उस स्टूडेंट से बात करनी है, आप उसे बुलाइए। एक लड़का आता है, वो कहता है कि मैं ही यहाँ पर म्यूज़िक डांस सिंगिंग सब कुछ देख रहा हूँ सर, हमारे यहाँ पर ये इवेंट होने वाले हैं। तभी विराट कहता है कि अच्छा सिंगिंग भी है, कौन कर रहा है सिंगिंग, ज़रा उसे बुला कर लाओ। तभी वहाँ पर अनिकेत की एंट्री होती है और पुलिस की यूनिफॉर्म में देख कर अनिकेत काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। अनिकेत को देख कर विराट ऊपर से नीचे तक उसका इंस्पेक्शन करता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि ये इतना ज़्यादा स्मार्ट तो है नहीं, आखिर इसमें है क्या ऐसा जो सई को इतना ज़्यादा पसंद आता है। विराट चुपके से खड़े होकर अनिकेत के बगल में खड़ा होता है और उसकी हाइट नापता है और कहता है इतना लंबा भी नहीं है। तभी अनिकेत कहता है मतलब सर, तो अनिकेत से कहता है विराट नहीं वो कुछ नहीं, मैंने सुना था कि सिंगर्स के बाल लंबे लंबे होते हैं, लेकिन तुम्हारे बाल तो हैं ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनिकेत कहता है कि सर मैं जाऊँ अगर आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई हो तो। विराट कहता है मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा क्या, अभी कहाँ जा रहे हो। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इंक्वायरी चल ही रही होती है, विराट के मन ही मन में वो अपनी ही बेवकूफ़ी पे हंसता है, तो कभी डाउट से क्वेश्चन पूछता है अनिकेत से। तभी सही जाने की वाली होती है घर और वो सोचती है कि आज आई ने कहा था कि टाइम से घर आ जाना, पूजा है और आज ही मैं लेट हो गई, ओहो, और भागते हुए जाती है और सोचती है कि मैं अनिकेत को जाते जाते बाय कह दूं। और वो जैसे ही वो देखती है प्रिंसिपल ऑफिस में यानी कि डीन ऑफिस में अनिकेत खड़ा है, वो इशारे से उसे बाय करती है और विराट दरवाजे के पीछे होता है ताकि सई उसे देख ना पाए, क्योंकि विराट सई को ऑफिस में आते हुए देख लेता है। जैसे ही विराट सुनता है सई को कि अनिकेत मैं जा रही हूँ बाय, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, अनिकेत भी सई को कहता है हाँ ठीक है मैं तुमसे कल मिलूंगा, ये देख कर उन दोनों का बॉन्ड विराट बहुत ज़्यादा शॉक रह जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि विराट कहता है कि ठीक है आप लोग जा सकते हो, और अपने आप ही हंसता है और कहता है कि मैं भी ना कितना बड़ा पागल हूँ, और यहाँ पर विराट का ये क्यूट सा जेलेसी वाला सीन खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सई जैसे ही घर पहुँचती है वहाँ पर सब आलता लगा रहे होते हैं और काकू से देख कर कहती है कि आज घर में पूजा है और जाकर हाथ पैर धोकर कपड़े बदल ले। सई कहती है कि हाँ मुझे भी पता है, तभी तो मैंने ये पीला सूट पहना है आई, मुझे भी पता रहता है काकू कि घर में क्या है
क्या नहीं। यहाँ पर विराट की एब्सेंसी में एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और काकू कहती है कि इस लड़की से तो बात करना ही बेकार है। निनाद कहता है हाँ, इस लड़की से कुछ भी पूछो जवाब ये उल्टा ही देगी। सई कहती है जैसा जवाब आपको चाहिए और आप सवाल पूछेंगे वैसा ही मैं जवाब दूंगी, लेकिन मैं अभी आती हूँ तैयार होकर के। सही है कहकर वहाँ जैसे ही जाने वाली होती है तभी उषा तई खड़ी होती है और कहती है कि काकू इसे आलता नहीं लगवाइएगा क्योंकि सई को आलते से एलर्जी है। लेकिन यहाँ पर काकू कहती हैं अरे ऐसे कैसे, हम शहर में होकर यहाँ पर आलता लगाते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता, और ये जंगल से आई लड़की इसको एलर्जी है। करिश्मा पतुलेखा इसके हाथ पकड़ो और इसके आलता लगाओ। सई मना करती है कि नहीं मुझे आलते से एलर्जी है, मैं नहीं लगवाऊंगी नहीं लगवाऊंगी, लेकिन सब लोग फोर्स करते हैं और उसे आलता लगवाने के लिए मजबूर करते हैं। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में। Yeah.